छत्तीसगढ़ में होने वाले राहुल गांधी के दौरे पर भाजपा किसान मोर्चा ने तंज कसा है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने रमन और मोदी सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया है। वहीं राहुल के दौरे पर उन्होंने कहा कि वे झूठ फैलाने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसान हितैषी सरकार होने का दावा किया है। इस दावे के साथ कि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बीते 15 साल के लेखा जोखा भी गिनाया है। शर्मा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने जो काम प्रदेश के किसानों के लिए किया है वो दुनिया में एक उदाहरण है। आंकड़ों में बात करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने 85,000 करोड़ के बजट में 11,000 करोड़ से ज्यादा धान खरीदा है, जो कुल बजट का 13% से ज्यादा है। वहीं कांग्रेस की सरकार 2003 में 7 से 8 हजार करोड़ के बजट में मात्र 260 करोड़ रुपए यानी बजट का मात्र 3% धान खरीदी में लगाए थे और कांग्रेस की सरकार में कुल उत्पादित धान का मात्र 10% खरीदे थे। जिस ढंग से हमारी सरकार ने धान की खेती के संदर्भ में और तमाम खेती के संदर्भ में जो कार्य किए हैं और किसानों को जो अलग अलग क्षेत्र में जो लाभ दिए हैं, चाहे वो ऋण का क्षेत्र हो, चाहे वो विभिन्न सब्सिडी हो या उनके धान खरीदी के मामले में हो, इन सारी चीज़ों का विस्तृत विवरण आज हमने यहाँ पर दिया है। और ये बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि जिस ढंग से एक झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनको यह बताना ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ का न केवल उत्पादन बढ़ा है वरन छत्तीसगढ़ के किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। इधर संदीप शर्मा से राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे और किसान सम्मेलन से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने राहुल पर एक झूठ को छत्तीसगढ़ में परोसने की बात कही। शर्मा ने कहा कि राहुल जहां भी जाते हैं वो एक नया झूठ परोस कर आते हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, एक झूठ यहां की जनता को परोस कर जाएंगे। देखिये, राहुल जी का काम पूरे देश में घूम घूम करके झूठ फैलाना है और उसी के एक क्रम में वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और निश्चित रूप से कल वो आ करके और परसों जिस दिन आने वाले हैं कोई न कोई एक झूठ फिर छत्तीसगढ़ में परोस करके जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल किसान और आदिवासियों को आधार बनाकर चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में लगी है। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार सियासी आरोप मढ़ रहे हैं और खुद को किसान हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।